नमस्कार। आज हम रघुवीर साई की कविता धूप की व्याख्या करेंगे। धूप कविता रघुवीर साई जी की एक महत्वपूर्ण प्रकृति संबंधी कविता है। इस कविता के द्वारा कवि प्रकृति से अपनी पहचान स्थापित करना चाहता है। यही कारण है कि उसने प्रकृति से अपनी पहचान बताने के बहाने बसंत ऋतु के वातावरण में प्रकृति का अद्भुत चित्रण किया। कवि बसंत ऋतु की धूप के आकर्षण को अपनी खिड़की में रखे पौधों से अनुभव करता है तथा देखता है कि वे जो बाहर धूप की तरह झुके जा रहे हैं, उन्हें उसे गोरैया की आतुरता भी बड़ी भांति लगती है, जो इस वसंती वातावरण में उसके कार्निस पर अपना घोंसला बनाने हेतु तिनका तिनका एकत्रित करती है। प्रकृति और साहित्य का बहुत ही पुराना संबंध है। तो कविता की रघुवीर साई की ये कविता प्रकृति का वर्णन चित्रित करती है। देख रहा हूँ लंबी खिड़की पर रखे पौधे धूप की ओर भार झुके जा रहे हैं। हर साल की तरह गोरैया अब की भी कार्निस पर लाल ला के धरने लगी है तिनके। हालांकि यह वह गोरैया नहीं, यह वह मकान भी नहीं, ये वे गमले भी नहीं, यह वह खिड़की भी नहीं। कितनी सही है मेरी पहचान इस धूप की। तो रघुवीर साई जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि देख रहा हूँ लंबी खिड़की पर रखे पौधे, कि वह अपनी लंबी खिड़की पर रखे हुए उन पौधों को देख रहा है, स्पष्ट रूप से देख रहा है, जो बाहर खिली हुई धूप की ओर आकर्षित होकर उधर झुके हुए हैं। हर साल की तरह गोरैया और हर यही नहीं हर वर्ष की भांति चिड़िया इस बार भी अब की भी कार्निश पर लाकर धरने लगी है तिनके। कि हर साल की तरह हर पिछले वर्ष की तरह जो चिड़िया है वह उसके घर के दरवाजे के ऊपर निकली हुई जो मुंडेर है उस पर अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके ला ला कर रख रही है। हालांकि यह वह गोरैया नहीं, यह वह मकान भी नहीं, ये वे गमले भी नहीं। हालांकि जो चिड़िया तिनके लेकर आई हुई है वह यह वही चिड़िया नहीं है जो पिछले वर्ष थी। यही नहीं वह ये मकान भी नहीं है जिसमें पिछले वर्ष वह रह रहा था। अर्थात कवि ने अपना मकान भी चेंज कर लिया था, बदल लिया था। उसके घर में खिड़की में रखे गए गमले भी पिछले वर्ष वाले नहीं हैं, यह वह खिड़की भी नहीं और न ही वह यह पिछले साल वाली खिड़की है। तो कितना सही है मेरी पहचान इस रूप में। तो कवि के कहने का से यह है कि पिछले वर्ष जो चीज़ें थी वो सारी की सारी बदल चुकी हैं, परंतु प्रकृति का चक्कर है वो उसी प्रकार चल रहा है। कहता है गमले खिड़की किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है, धूप के कारण ही इन सब चीज़ों का अस्तित्व है। और जो प्रकृति का जो चक्कर है वो हमेशा ऐसे ही चलता रहता है बिना कोई परिवर्तन हुए। कितने सही हैं ये गुलाब, कुछ एक झरे से हुए और कुछ झरने झरने को और हल्की सी हवा में और भी जोखिम से निखर गया है उनका रूप जो झरने को है। और वे पौधे भार को झुके जा रहे हैं जैसे उधर से धूप इन्हें खींचे लिए ले रही है। और बरामदे में धूप होना मालूम होता है जैसे ये पौधे बरामदे में धूप सा कुछ ले आए हों। जोखिम का अर्थ होता है खतरा भरा। तो रघुवीर साई जी कहते हैं कि कितने सही हैं ये गुलाब, कुछ एक झरे से वे और कुछ झरने झरने को। कि उसकी खिड़की पर रखे हुए गमलों में उगे हुए गुलाब बहुत ही सुंदर हैं। कुछ गुलाब तो गुलाब के फूल तो झड़ गए हैं तथा कुछ गुलाब झड़ने को तैयार हो रहे हैं। और हल्की सी हवा में और भी जोखिम से उसकी खिड़की में रखे हुए जो गमले हैं उन पर हल्की हल्की हवा चल रही है और वो गमले जिसे उनके झड़ने का खतरा और भी बढ़ गया है, क्योंकि हवा जब चलती है तो गुलाब के फूल झड़ जाते हैं। तो कहता है जब मंद मंद गति से हवा चलती है तो गुलाब के जो पौधे हैं
जो फूल हैं गुलाब के, उनके झड़ने का खतरा बढ़ गया है, निखर गया है उनका रूप जो झरने को है, और परंतु डाली से झड़ने से पूर्व उनका सौंदर्य और भी अधिक निखर आया है, और वे पौधे बाहर को झुके जा रहे हैं, और उन गमलों से में उगे हुए पौधे खिड़की से बाहर की तरफ झुके जा रहे हैं, और बरामदे में धूप होना मालूम है, जैसे बरामदे में धूप सा कुछ ले आए हैं, और ऐसा आभास हो रहा है मानो बाहर से धूप धूप ही उन्हें खींचकर लिए जा रही है, और ऐसा भी प्रतीत होता है कि बाहर बरामदे में इस समय धूप छाई हुई है। ऐसा लगता है कि मानो ये पौधे ही बरामदे में धूप सा दिखाई देने वाला कोई प्रकाश खींच लाए। तो यहाँ पर कवि ने प्रकृति के अवयवों की गतिविधियों और उसके प्रभाव को अंकित करके वातावरण की सजीवता को चित्रित किया है। और तिनका लेने फुर से उड़ जाती है चिड़िया, हवा का एक डोलना है जिसमें अचानक कसे हुए गुलाब की गमक है, और गर्मियां आ रही हैं, हालांकि अभी बहुत दिन है, कितना सही है मेरी पहचान इस धूप में। तो इन पंक्तियों में कवि प्रकृति के भिन्न भिन्न अंगों के पारस्परिक लगाव का चित्रण करते हुए कहता है कि चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए बार बार फुर करके उड़ जाती है, हवा का एक डोलना जिसमें अचानक कसे हुए गुलाब की गमक है और गर्मी आ रही है, ताकि वो इसलिए उड़ जाती है ताकि वह तिनका अधिक से अधिक इकट्ठा करके लेके आए, और भीनी भीनी हवा चल रही है जिसमें सहसा कसे हुए गुलाब की सुगंध वातावरण को सुगंधित बना देती है। ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने वाला है, हालांकि अभी बहुत दिन दूर है, तो आगमन होने वाला है लेकिन अभी ग्रीष्म ऋतु आने में समय शेष है, कितना सही है मेरी पहचान इस धूप की। कवि कहता है कि उसने जो ब्यौरा दिया है उससे सिद्ध होता है कि वह इस धूप को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। तो यहाँ पर भी कवि ने मतलब प्रकृति के अवयवों को सजीवता से चित्रण करके और प्रकृति के उल्लास का भी चित्रण किया है। और इस गोरैया के घोंसले की कई कहानियां हैं, पिछले साल की अलग और पिछले साल की अलग, एक सुगंध बल्कि सुगंध नहीं एक धूप है, बल्कि धूप नहीं एक समृद्धि है, बल्कि उष्मा नहीं सिर्फ एक पहचान है, हल्की सी हवा और एक बहुत बड़ा आसमान है, और वह नीला जिसमें धुआं नहीं है न किसी तरह का बादल है, और एक हल्की सी हवा है रोशनी है, और यह धूप जिसे मैंने पहचान लिया है, और इस धूप से भरा हुआ बहार एक बहुत बड़ा नीला आसमान है, और इस बरामदे में धूप और हल्की सी हवा और एक बसंत। तो इन पंक्तियों में रघुवीर साई जी कहते हैं कि और गोरैया की इस घोंसले की कई कहानियाँ हैं, कि जो गोरैया जो चिड़िया घोंसला बनाने के लिए तिनके एकत्रित कर रही है, उस चिड़िया के घोंसले से संबंधित कई कहानियाँ उसे मालूम है पता है। पिछले साल की अलग और उसकी पिछले साल की अलग एक सुगंध है, वो चिड़िया की इस घोंसले की पिछले साल वाली कहानियाँ इस साल की कहानियों से अलग हैं, और उसके पिछले साल की कहानियाँ पिछले साल की कहानियों से भिन्न हैं। कहने का भाव है कि चिड़िया के घोंसलों की असंख्य कहानियाँ हैं, इस साल कुछ और हैं, इससे पिछले साल कुछ और कहानी थी, उससे पिछले साल कुछ और थी। तो कवि कहता है एक सुगंध है बल्कि सुगंध नहीं एक धूप है, कि वातावरण में एक सुगंध व्याप्त है, बल्कि कहना चाहिए कि यह सुगंध नहीं धूप है, बल्कि धूप नहीं एक समृद्धि है। कवि पुनः कहता है कि यह धूप न होकर एक समृद्धि है, यादाश्त है, तथा समृद्धि न होकर बल्कि उष्मा नहीं, बल्कि धूप नहीं एक समृद्धि है, बल्कि उष्मा नहीं एक पहचान है, कि थोड़ी सी उष्मा है गर्मी है, और यह उष्मा न होकर भी एक पहचान है, हल्की सी हवा है और एक बहुत बड़ा आसमान है, बाहर हल्की हल्की या मंद गति की हवा चल रही है, और एक बहुत ही व्यापक दूर तक आकाश उसे दिखाई दे रहा है, और वह नीला है उसमें धुआं नहीं है, और वह आकाश उसे जो दिखाई दे रहा है वह नील वर्ण का है तथा उसमें धुआं नहीं उठा हुआ है,
एक हल्की सी हवा है, न किसी तरह का बादल है, और एक हल्की सी हवा है, रोशनी है। और यही नहीं, आकाश में किसी भी प्रकार का कोई बादल नहीं है, आकाश में सिर्फ हल्की सी हवा चल रही है और वहाँ प्रकाश है, और वहाँ पर प्रकाश छाया हुआ है। यह धूप है जिसे मैंने पहचान लिया है, और यह प्रकाश ही वह धूप है जिसे उसने कवि ने रघुवीर साय ने पहचान लिया है। और इस धूप से भरा हुआ बाहर एक बहुत बड़ा नीला आसमान है, और बाहर जो नील वर्ण का आकाश दिखाई दे रहा है, वस्तुतः वह इसी धूप से भरा हुआ है। और इस बरामदे में धूप और हल्की सी हवा और एक बसंत, और उसके बरामदे में भी हवा बह रही है, वही धूप उसे प्रकाशित कर रही है, था वही बसंत का वातावरण उसे आनंदित कर रहा है। तो रघुवीर साई जी ने इस कविता में प्रकृति के उल्लास का सजीव चित्रण किया है। भाषा सहज सरल व भावानुकूल खड़ी बोली है। तद्भव शब्दावली का रघुवीर साई जी ने यहाँ पर प्रयोग किया है। प्रसाद गुण सर्वत्र सभी जगह व्याप्त है। दर्श्य बिंब का प्रयोग किया गया है। आत्म कथात्मक शैली का भी कवि ने प्रयोग किया। धन्यवाद।